कैन वी शेयर, शेयर का मतलब होता है हिस्सा बांटना। शेयर को हम इस तरह से भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए हमारी क्लास में 6 बच्चे हैं और मेरे पास 12 पेंसिल्स हैं। अगर मैं इन पेंसिल्स को 6 बच्चों में बराबर शेयर करूं, तो हर एक बच्चे में कितनी पेंसिल आएंगी? यस, तो हर एक बच्चे में 2 पेंसिल्स आएंगी। इन पेंसिल्स को मैंने आप में बांटी है, इसी को ही शेयर कहते हैं। अब मैं आपको एक कहानी के जरिए शेयर को समझाता हूँ। एक बार एक पेड़ पर एक चिड़िया रहती थी। उस चिड़िया के 4 बच्चे थे जिनको हर रोज वो खाना खिलाती थी। तो हर रोज की तरह वो चिड़िया खाने की तलाश में गई और 12 अनाज के दानों को लेकर आई। पर वापस आकर चिड़िया यह सोचने लगी कि इन 12 अनाज के दानों को अपने 4 बच्चों में कैसे बांटे। तो फिर चिड़िया ने अपने हर एक बच्चे को पहले एक दाना दिया, फिर दूसरा दाना दिया, फिर तीसरा दाना दिया। इस तरीके से उस बर्ड ने 3 अनाज के दानों को हर एक बच्चे को दिया और 12 अनाज के दानों को 3-3 के हिसाब से 4 बच्चों में शेयर किया। अब एक क्वेश्चन है, शेयर 12 बलून्स अमंग 3 बॉयज, हाउ मैनी बलून्स फॉर ईच बॉय। यानी कि 12 गुब्बारे को 3 बच्चों में शेयर करना है, तो हर एक बच्चे के पास कितने गुब्बारे आएंगे? इसमें हम सिंपल डिवाइड कर देंगे 12 को 3 से, तो हमारा आंसर आएगा 4। तो 4 गुब्बारे हर एक बच्चे के पास आएगा। अब एक और सवाल है आपके पास, इफ देयर आर 12 स्टार्स, पुट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। यानी कि 12 स्टार्स हैं, इसको आपने 2 बराबर ग्रुप्स में रखना है। तो हम इन स्टार्स को 2 ग्रुप में रखेंगे। दोनों ग्रुप्स में 6-6 स्टार्स होंगे। इस तरह से 12 स्टार्स के 2 बराबर ग्रुप्स होंगे। अब आपको शेयर का मतलब समझ आ चुका होगा।